हेलो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन हब मोगा। यूट्यूब में आपने जाना है, विदाउट स्पेस टाइप करना है एजुकेशन हब मोगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, सिक्स क्लास टूडे वी डू क्वेश्चन आंसर लेसन फोर्थ। हाँ जी, फर्स्ट इज आंसर इन ब्रीफ। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्रुपिंग इंटीरियल्स। ठीक है, हमने बुक में वैसे पूरा रीड कर लिया है, ठीक है, उसी में क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्रुपिंग इंटीरियल्स। ठीक है, क्या एडवांटेजेस होती है अगर हम मटेरियल्स को क्या है ग्रुप में, ठीक है, रखते हैं, ठीक है, उसको ऐसे सॉर्ट आउट करते हैं ग्रुपिंग में। आंसर इज अरेंजिंग थिंग्स इन डिफरेंट ग्रुप्स मेक इट ईजियर टू फाइंड आइटम ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, अगर हम अरेंज करते हैं, ठीक है, थिंग्स को ग्रुप में, ठीक है, तो हमें क्या है फाइंड करना ईजी हो जाता है। कोई भी थिंग्स है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है हम लेते हैं, ठीक है, लाइक सुपरमार्केट की हमने एग्जांपल रीड की थी। ठीक है, सुपरमार्केट में क्या है सभी सेपरेट सेक्शंस बनाए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि थिंग्स को फाइंड करना क्या है ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ग्रुपिंग की जाती है उसकी। सेकेंड इज लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच हेल्प इन सॉर्टिंग ऑफ मटीरियल्स। ठीक है, तो हमने क्या है वो प्रॉपर्टीज बतानी है मैटर की, ठीक है, जो हेल्प करती है मटीरियल्स को सॉर्ट करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट करने के लिए। तो क्या है, देयर आर अ वेरियस प्रॉपर्टीज सच एज अपीरेंस, हार्डनेस, कंडक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटेशन एंड ट्रांसपेरेंसी विच हेल्प अस टू रीच ऑब्जेक्ट इन टू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, अपीरेंस क्या हो गया, लस्टर, लाइक शाइनी देख कर, ठीक है, थिंग्स को उसकी लस्टर देख के, हार्डनेस देख के, उसकी अपीरेंस में था हार्डनेस स्मूथनेस देख के, ठीक है, प्रॉपर्टीज है उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है, थिंग्स को। तो हार्डनेस होगी, कंडक्टिविटी होगी उसकी, सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबल में हमने पढ़ा था कि ठीक है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉरी मटीरियल्स थे, ठीक है, जो फ्लोटेशन, ठीक है, जो फ्लोट करता है, एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी में भी हमने थ्री पढ़े थे, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसुलेंट और पैक मटीरियल्स, ठीक है, ये हेल्प करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, सॉर्ट आउट करने के लिए, करने के लिए। तो दिस इज योर सेकेंड आंसर। हाँ जी, थर्ड आंसर इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल्स। ठीक है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मटेरियल्स में डिफरेंस बताना है। सॉल्युबल मटेरियल्स कौन से होते हैं जो क्या है वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, लाइक शुगर एंड सॉल्ट हो गए। यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं देनी, उन्होंने सिर्फ डिफरेंस ही पूछा है, ठीक है, एग्जाम्पल देने के लिए नहीं बोला। तो सॉल्युबल मटेरियल्स कौन से हो गए दैट डिजोल्व इन वाटर, और इनसॉल्युबल मटेरियल्स कौन से हो गए दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल चॉक पाउडर है, ठीक है, अगर हम उसको वाटर में मिक्स करेंगे तो वो क्या होगा, मिक्स नहीं होगा, चॉक पाउडर हो गया, सैंड हो गई, ठीक है। तो ये है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मटेरियल्स की डेफिनेशन। हाँ जी, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन मिजिबल एंड इमिजिबल लिक्विड्स। मिजिबल और इमिजिबल लिक्विड्स कौन से हो गए, मिजिबल लिक्विड्स कौन से हो गए दैट डिजोल्व इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल क्या होगी, मिल्क और वाटर, ठीक है, मिल्क और वाटर क्या है डिजोल्व हो जाते हैं, जो लिक्विड में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है, लिक्विड क्या है लाइक मिल्क हो गया, डिजोल्व हो गया वाटर में, उसको बोलेंगे मिजिबल। इमिजिबल लिक्विड्स कौन से हो गए दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल ऑयल, ठीक है, ऑयल को अगर हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो नहीं होगा, ठीक है, ऑयल क्या है फ्लॉट करता है वाटर में। तो ये कौन सी एग्जाम्पल होगी इमिजिबल लिक्विड की। ओके, दीज फोर आर योर आंसर इन ब्रीफ। हाँ जी, नेक्स्ट इज आंसर इन डिटेल। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश द अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आंसर इन ब्रीफ में जस्ट मतलब प्रॉपर्टीज ही लिखनी थी, ठीक है, कि कैसे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं मटीरियल्स की, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज बतानी थी। अब हमने क्या है कि अपीयरेंस है, ठीक है, जो हमने जिसमें क्या लस्टर, हार्डनेस, स्मूथनेस, ठीक है, रीड किया था, तो हमने क्या उसको एक्सप्लेन में बताना है विद द एग्जाम्पल। तो फर्स्ट क्या है राइट करना है कि कौन से
ठीक है, अपीयरेंस के बारे में लिखना है। लस्टर एंड स्मूथनेस आर द टू करैक्टरिस्टिक्स दैट अलाउ यू टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। ठीक है, तो लस्टर और स्मूथनेस के बारे में ठीक है लिखा है। अपीयर करता है, ठीक है, तो लस्टर क्या हो गई, ठीक है, शाइनी, जिसकी सरफेस क्या होती है, शाइनी होती है। द सर्फेस ऑफ सम मटीरियल आर शाइनी वाइल अदर आर रैदर डल। ठीक है, कुछ मटीरियल्स होते हैं, ठीक है, जिसकी सर्फेस क्या होती है, बहुत शाइनी होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी अपीयरेंस देखते हैं। एग्जाम्पल ले ले, जैसे हमने क्या है कि एक पेज देखते हैं, ठीक है, लाइक कॉपी का ये पेज है, ठीक है, इसमें क्या है कि इसकी शाइनिंग नहीं है, ठीक है, ये क्या है, डल है। तो मटीरियल्स हो गए लाइक मेटालिक कैटल के बारे में हमने बुक में रीड किया था, मेटालिक कैटल क्या है, ठीक है, उसकी सर्फेस क्या है, शाइनी थी। दिस शाइन ऑफ द मटीरियल इज कॉल्ड लस्टर, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, आयरन बोल दिया इन्होंने, आयरन होता है, ठीक है, मेटालिक कैटल हमने उस बुक में भी रीड किया था, लिख सकते हो आप एग्जाम्पल, कोई भी 2-3 एग्जाम्पल, ठीक है, मेटालिक कैटल हो गई। नेक्स्ट इज स्मूथनेस, स्मूथनेस क्या होगी, जिसको हम टच करते हैं, ठीक है, स्मूथ होता है हमारी फिंगर्स से, ठीक है, लाइक टच द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स के पेटल्स को हम टच करते हैं, बहुत स्मूथ होता है, ठीक है, तो इसके ठीक है ऑपोजिट, अगर हम क्या लेते हैं, कोई भी स्टोन लेते हैं, ठीक है, उसके उसको हम अगर टच करेंगे तो वो क्या होगा, स्मूथ नहीं होगा, ठीक है, टेक अ स्मॉल स्टोन, ठीक है, तो ये थी, ठीक है, स्मूथनेस की। और हार्डनेस में बताया है कि स्मूथनेस क्या है, अगर लाइक पेटल्स की, ठीक है, फ्लावर्स के पेटल्स को टच करते हैं, स्मूथनेस होती है उसकी सरफेस, और स्मॉल स्टोन लेते हैं कोई भी, ठीक है, उसकी सरफेस क्या होती है, हार्ड होती है। हाँ जी, नेक्स्ट इज हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश मटीरियल ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस, कंडक्टिविटी एंड सोलुबिलिटी, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ठीक है, हमने अपीयरेंस के बारे में रीड कर लिया था, क्या रह गई थी, ठीक है, हमने क्वेश्चन में यहाँ पे रीड किया था, ठीक है, अपीयरेंस हमने रीड कर लिया, अब हार्डनेस, कंडक्टिविटी, सोलुबिलिटी के बारे में, ठीक है, अब हम रीड करेंगे। फ्लोटेशन, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, आंसर इन डिटेल में फुली है सारे। तो फर्स्ट है हार्डनेस, हार्डनेस इज अनदर प्रॉपर्टी विच हेल्प अस टू ग्रुप डिफरेंट मटीरियल, फॉर एग्जाम्पल क्या होगी, क्रिकेट बॉल, वुड और स्टोन। ठीक है, हार्ड होती है, ठीक है, ग्रुप करने के लिए, हार्डनेस भी एक प्रॉपर्टी है ग्रुपिंग करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल दे दी हार्डनेस की, लाइक क्रिकेट बॉल होगी, वुड और स्टोन हो गई। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या आ गए इसमें, लाइक कंडक्टर्स, इंसुलेटर, बोथ आ गई। कंडक्टिविटी, सम मटीरियल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, दे आर कोल्ड कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल क्या होगी, मेटल्स हो गए, ठीक है, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है, वो कौन से हो गए, कंडक्टर्स हो गए। ठीक है, मेटल्स कौन सी होगी, सच है सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है, ये क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। फॉर एग्जाम्पल क्या होगी, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक कहाँ पे, लाइक प्लास्टिक इज यूज टू कवर इलेक्ट्रिक वायर्स बिकॉज इट इज एन इंसुलेटर दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। ठीक है, वायर्स के लिए कवर करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, तो इंसुलेटर होने के कारण अगर हम इसको टच करते हैं, ठीक है, वायर्स डेली, तो क्या उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ठीक है, तो ये थी कंडक्टिविटी। नेक्स्ट इज सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी में सोलूबल और इनसोलूबल मटीरियल्स आ गए। ठीक है, सोलूबल मटीरियल्स, मटीरियल्स दैट डिजोल्व इन वाटर, उनको क्या बोलते हैं, सोलूबल मटीरियल्स। फॉर एग्जाम्पल क्या होगी, साल्ट एंड शुगर। इनसोलूबल मटीरियल्स दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल क्या होगी, सैंड और चॉक। ठीक है, ये तो हमने रीड किया था कि सोलूबल और इनसोलूबल मटीरियल्स सोलूबिलिटी में। ठीक है, सो दिस इज आंसर ऑफ योर सिंकिंग क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट अमंग ट्रांसपेरेंट, ट्रांसुलेंट एंड ओपेक मटीरियल, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। ठीक है, तो हमने डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, बताना है अब कौन से रह गए थे हमारे, ट्रांसपेरेंसी रह गई थी, ठीक है, बाकी तो हमने रीड कर ली, एक फ्लोटेशन रह गया, ठीक है, जो प्रॉपर्टी सी थी। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसुलेंट और ओपेक मटीरियल के बारे में बताना है, ठीक है, तो उसकी एग्जाम्पल भी देनी है यहाँ पे। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट मटीरियल, अ मटीरियल विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटीरियल क्या होते हैं, जिसमें क्या है, लाइट कम्प्लीटली पास हो जाती है। तो क्या एग्जांपल दिए यहाँ पे,
ग्लास भी, ग्लास हो गया, विंडो हो गई, ठीक है, जिसके हम आर पार क्या है क्लियरली मतलब देख सकते हैं, विजिबल है, ठीक है, उसके आर पार। तो ये कौन से हो गए? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ट्रांसुलेंट मटेरियल्स कौन से हो गए? सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग है, ट्रांसुलेंट मटेरियल, TRANSULENT, ठीक है, ट्रांसुलेंट मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन ओनली पार्शली, ठीक है, जिसके क्या हम पार्शली सीन कर सकते हैं। तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक बल्ब एग्जाम्पल दी थी, ठीक है, और पैक मटेरियल्स क्या हो गए? विच यू आर नॉट एबल टू सी थिंग्स एट ऑल, ठीक है, जिसके हम आर पार बिल्कुल ही नहीं देख सकते, लाइक वुडन डोर हो गई, ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल दे देनी। फोर्थ क्वेश्चन इज वट इज फ्लोटेशन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। फ्लोटेशन क्या होगी? ठीक है, जो फ्लोट करता है वाटर पे, द एक्शन ऑफ फ्लोटिंग, ठीक है, इज कॉल्ड फ्लोटेशन। फॉर एग्जाम्पल कॉक फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है, कॉक लेते हैं, ठीक है, वो लाइट वेट होता है तो वो क्या है, फ्लोट करता है वाटर पे, ठीक है। तो वाइल कॉइन सिंक, ठीक है, कॉइन क्या है, हैवी होता है तो वो क्या है, सिंक कर जाता है। एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट इज व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हमने, ठीक है, रीड किया था यहाँ पे कंडक्टिविटी में, ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन है, ठीक है, अलग से इसको एक्सप्लेन करना है। कंडक्टर्स क्या हो गए? दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, ठीक है, जिसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, रीड किया था मेटल्स, ठीक है। इंसुलेटर्स मटेरियल्स दैट डो नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, फॉर एग्जाम्पल क्या होगी? प्लास्टिक, ठीक है, कवर इलेक्ट्रिक वायर्स को कवर करने के लिए यूज़ की जाती है, बिकॉज इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ओके, दिस इज योर आंसर इन डिटेल, लेसन फोर्थ। हाँ जी, डू इट ऑन योर कॉपी। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि हमें इनिशिएटिव मिल सके कि बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब अवर चैनल एजुकेशन हब मोगा। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एजुकेशन हब मोगा।